गर्जा महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्या सोबत। नमस्कार, गर्जा महाराष्ट्रच्या विशेष मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्या सोबत। अरुणाचलच्या विद्यार्थ्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट। पूर्वोत्तर राज्य म्हणजे आसाम, सिक्कीम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश। भौगोलिक दृष्टिकोनातून अत्यंत दुर्गम आणि दिल्लीपासून दूर असलेल्या या प्रदेशापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुद्धा 3 ते 4 दिवस लागतात। कदाचित म्हणूनच हे राज्य मुख्य प्रवाहापासून थोडे दूर आहेत। आता मात्र या राज्यातील जनतेच्या मनाची ही भावना दूर करण्यासाठी खास प्रयत्न केले जात आहेत। यासाठी पुढाकार घेतला आहे बांद्रा सामाजिक संस्थेनं। या औदात्त कार्यासाठी अरुणाचल प्रदेशच्या 50 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप महाराष्ट्रात बोलावला गेला आणि त्यांना येथील संस्कृती आणि विविध ऐतिहासिक इमारतींची भेट घडवून आणली जात आहे। वो बहुत अच्छे फील कर रहे हैं ना उनके, और मेरा लाइफ का बहुत ही गुड एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे महाराष्ट्र अच्छा लगा, मेरा लाइफ का बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, यहाँ बहुत बड़ा सिटी देखने मिला और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मुंबई और को देख के ऐसा लगता है कि सपना भी है। या संदर्भात राजभवन येथे या मुलांची राज्यपाल श्री विद्यासागर राव यांच्याशी भेट घडून आणली बांद्रा सामाजिक संस्थेनं। यावेळी राज्यपाल यांच्या भेटीनं तसेच त्यांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनानं उपस्थित विद्यार्थी चांगलेच भारावून गेले। यातील अनेक विद्यार्थी तर असे आहेत की ज्यांनी जन्मात कधी ट्रेन बघितली नाही किंवा कलेक्टर ऑफिस बघितली नाही, मात्र प्रत्यक्ष राजभवन पाहण्याचे त्यांना भाग्य लाभले। यावेळी त्यांच्यासोबत अर्चना शर्मा, नूरजहाँ आणि संस्थेचे इतर सदस्य उपस्थित होते। और कहीं ना कहीं अपने अरुणाचल विकास परिषद के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं या ट्रेंड कार्यकर्ता, अपने जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लिए हुए कार्यकर्ता हैं और पूरे देश में जानकारी होना, अरुणाचल में रहते हैं पहली बार अरुणाचल हैं तो इनको पूरे देश में क्या है उसकी जानकारी बढ़े, यही अपना उद्देश्य रहा। महाराष्ट्र में और मुंबई में आपके गवर्नर साहब से आप मिले? गवर्नर साहब से मिले, अनुभव अच्छा लगा, सबका वेलकम देख अच्छा लगा मुझे तो, और ये सब लोग जो सब बहुत खुश हैं यहाँ का वेलकम देख करके। इसके पीछे ऐसा उद्देश्य है कि पूरी एक है, नॉर्थ ईस्ट वाले कई बार आइसोलेट फील करते हैं, तो देश के साथ जुड़ेंगे, वो हमारे अंग है, हमारे पार्ट है, तो जुड़ेंगे तो उनको एक वननेस फीलिंग आएगी, बिलोंगिंग फीलिंग आएगी, उनको ये लगेगा कि पूरा हमारा एक देश है। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा हूँ, योगी है आरती जी, नूर जान जी, डॉक्टर विजय जी। अरुणाचल लुक की जो स्टूडेंट है जी, लोनली महसूस करते हैं, बहुत ही मतलब उत्तर पूर्व में रहते हैं जी, उनको यहाँ पे लाने के पीछे क्या उद्देश्य है आपको? सर, ये हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अजीत मनियाल जी, ये उनका प्रस्ताव था कि हमें पूरे भारत को जोड़ना है और ये अच्छा हमें लगा, तो हम सब इनके साथ जुड़ चुके हैं कि आज हमें भारत करके दिखाना है और युवा अगर जुड़ेगी तो अब भारत विशाल देश बने। और क्या इसके आज गवर्नर से मुलाकात हुई तो स्टूडेंट ने कैसे फील किया और आप लोगों को काफी संतुष्टि प्राप्त हुई? जी, गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो बच्चे आज हमारे महाराष्ट्र गवर्नर साहब से मिल पाए, उन्होंने उन्हें बहुत अचीवमेंट्स की बातें बताई और प्लस उन्होंने इंस्पिरेशन भी दी कि अगर आप जो चाहो आप कर सकते हो, अगर आप काबिलियत है आप कहीं भी अपने आप को आप बता सकते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे हम अपने आप को प्रूफ करते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि आज चाहे महाराष्ट्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, हम सब एक हैं, भारत एक है। मित्रांनो, तुर्तास इथेच थांबूया, मात्र पाहत रहा गरजा महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र न्यूज सदैव आपल्या सोबत।